एक बार फिर हमारे से YouTube चैनल कंप्यूटर एप्लीकेशंस बाय पिंटू कुशवाहा में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एजेंट फंक्शन या फॉर्मूला उसको बोलते हैं उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले इंग्लिश में बता देता हूँ, व्हाट इज़ द एजेंट फंक्शन। द एजेंट फंक्शन इज एन एक्सेल फाइनेंशियल फंक्शन। द फंक्शन विल कैलकुलेट द एक्यूट इंटरेस्ट फॉर ए सिक्योरिटी दैट पेज इंटरेस्ट ऑन ए पीरियडिक बेसिस। एजेंट हेल्प यूजर कैलकुलेट द एक्यूट इंटरेस्ट ऑन ए सिक्योरिटी सच एज ए बॉन्ड व्हेन दैट सिक्योरिटी इज सोल्ड और इज ट्रांसफर्ड टू ए न्यू ओनर ऑन ए डेट अदर देन द इशू डेट और ऑन ए डेट दैट इज एन इंटरेस्ट पेमेंट डेट। और हिंदी में इसको बोलते हैं एजेंट, उपयोगकर्ताओं को किसी सुरक्षा पर उपार्जित ब्याज की गणना करने में मदद करता है, जैसे कि एक बॉन्ड जब वह सुरक्षा बेची जाती है या जारी तिथि के अलावा किसी अन्य तिथि पर या एक तारीख को एक नए मालिक को हस्तांतरित कर दी जाती है जो एक ब्याज भुगतान की तारीख है। द एजेंट फंक्शन वॉज इंट्रोड्यूस इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब इसके फॉर्मूला के बारे में कुछ जानेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे कि एजेंट का जो फॉर्मूला है वह इज इक्वल टू एजेंट इशू डेट कॉमा फर्स्ट इंटरेस्ट कॉमा सेटलमेंट कॉमा रेट कॉमा पर कॉमा फ्रीक्वेंसी कॉमा बेसिस और कॉमा कैलकुलेशन मेथड है। तो इस फॉर्मूला को एक्सप्लेन करते हैं। द एजेंट फंक्शन यूजेस द फॉलोइंग एग्रीमेंट्स। नंबर वन में आप देख सकते हैं इशू है हमारा, तो रिक्वायर्ड एग्रीमेंट दिस इज द सिक्योरिटी इशू डेट। ये इशू जो है इसको इशू डेट बोलेंगे। और फर्स्ट इंटरेस्ट जो है दिस इज द फर्स्ट इंटरेस्ट डेट ऑफ द सिक्योरिटी। सेटलमेंट द सिक्योरिटी सेटलमेंट डेट इट इज द डेट आफ्टर द इशू डेट व्हेन द सिक्योरिटी इज ट्रेडेड टू द बोयर। नंबर फोर है रेट, द सिक्योरिटीज एनुअल कूपन रेट और पर द सिक्योरिटीज पर वैल्यू इफ ओमिटेड बाय द यूज़र द फंक्शन विल टेक द पर वैल्यू एज अमाउंट। फ्रीक्वेंसी दिस इज द नंबर ऑफ कूपन पेमेंट्स पर ईयर द फंक्शन विल टेक फॉर एनुअल पेमेंट। फ्रीक्वेंसी नंबर वन फॉर सेमीनुअल, फ्रीक्वेंसी नंबर टू फॉर क्वार्टरली, फ्रीक्वेंसी नंबर फोर। बेसिस दिस इज द काइंड ऑफ डेज काउंट दैट इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट ऑन ए गिवन सिक्योरिटी। इफ वी ओमिट द एग्रीमेंट द बेसिस इज सेट टू जीरो। बेसिस कैन बी एनी ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू। ये बेसिक जो है ऑप्शनल वैल्यू है। अभी इस फॉर्मूला को तो हमने बताया कि क्या चीज़ है, अब इसको पुटिंग कैसे करेंगे वो भी सीखेंगे। सबसे पहले एक्सप्लेन कर देते हैं ये बेसिस जो है इसको यूज़ कैसे करते हैं। बेसिस जो हमारा है वो डेज काउंट बेसिस है, मतलब हर कंट्री का अलग अलग एक साल का दिन होता है। जैसे यूएस का है 330/360 है, वैसे हमारा इंडिया का चलता है 365 डेज वन ईयर में होता है। तो चलिए एग्जांपल लिया है हमने, एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे कि कैसे हम लोग एजेंट फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो देख सकते हैं मैंने इशू डेट लिया हुआ है, फर्स्ट इंटरेस्ट डेट, सेटलमेंट डेट, रेट पर, फ्रीक्वेंसी, बेसिस
कैलकुलेशन मेथड, फाइनेंशियल कैलकुलेशन। तो हमने पहले ही आपको समझा दिया, इशू डेट जो हमारा है वो स्टार्टिंग इशू डेट है, फर्स्ट इंटरेस्ट डेट जो हमने लिया है, सेटलमेंट डेट मतलब लास्ट कब तक का है, एक साल का, दो साल का, रेट मतलब इंटरेस्ट जो हमारा है उस अमाउंट पे कितना परसेंट का इंटरेस्ट मिलता है वह है, और पर अमाउंट हमारा कितना है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ, जैसे कि एफडी करते हैं, तो जैसे हमने 1,00,000 का एफडी किया है तो इसका इंटरेस्ट हमको इतना मिलेगा, तो हम निकालते कैसे है इंटरेस्ट, ये सेम उसी कैलकुलेशन पर आधारित है। तो फ्रीक्वेंसी हमने लिया है, हमारा फ्रीक्वेंसी है 4, तो समझा देते हैं 4 देख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी हमारा 4 है, ये क्वार्टरली फ्रीक्वेंसी है, और बेसिस है हमारा 3, क्योंकि हमारा जो इंडिया का है 365 डेज है, ये नंबर 3 में है, और कैलकुलेशन मेथड हम 1 लेंगे, और फाइनेंशियल कैलकुलेशन इसको हम लोग फार्मूला के जरिए निकालेंगे। तो फार्मूला पुट करेंगे इज इक्वल टू एज रेंट, लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन, उसके बाद इशू डेट, देख रहे हैं, इशू डेट को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा देंगे, उसके बाद फर्स्ट इंटरेस्ट, फर्स्ट इंटरेस्ट डेट को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा देंगे, उसके बाद सेटलमेंट डेट, सेटलमेंट जो डेट जो हमारा है उसको सेलेक्ट करेंगे, कॉमा देंगे, उसके बाद है रेट, हमारा इंटरेस्ट रेट जितना है उसको सेलेक्ट करके कॉमा देंगे, अपर अमाउंट जो हमारा है उसको सेलेक्ट करके कॉमा देंगे, फ्रीक्वेंसी हमारा है 4 सेलेक्ट करके कॉमा देंगे, बेसिस हमारा 3 है 365 डेज का है उसको सेलेक्ट करके कॉमा देंगे, कैलकुलेशन मेथड हमारा 1 है। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इंटर प्रेस करेंगे, तो देखेंगे कि हमारा जैसे ये अमाउंट है इस पर 6.25% का जो इंटरेस्ट है वह हमको इतना इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, इस वीडियो में हमने जाना कि एजरेंट फंक्शन फ्रीक्वेंस फॉर्मूला का यूज़ कैसे करते हैं, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर एप्लीकेशंस बाय पिंटू कुशवाहा पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप हमारा वीडियो देख सकें सबसे पहले।